सो गाइस आई एम राइट नाउ स्टैंडिंग इन द काजा, काजा के आउटर में हूँ। काजा यहाँ से 28 किलोमीटर रह गया। और अगर आप ये रोड देख पा रहे हो, ये भी वाइट है, पूरी रोड आइस से भरी हुई। उधर भी जो रोड ऊपर जा रही है आइस से भरी हुई है, इधर वाली रोड भी आइस से भरी हुई है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 4x4 थार का क्या फ़ायदा है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जब मनाली में बर्फ़ पड़ी तो कितनी सारी 4x2 थारें स्किड होके फंस गई बर्फ़ के अंदर ही। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा 4x4 थार में जब मैं 4x2 लगाऊंगा तो इसका बर्फ़ में क्या होगा। अब देखिए ये वाली, अभी ये फ्रेश स्नो है, मतलब इसमें स्किड ज़्यादा नहीं होती गाड़ी। मैं दिखाता हूँ आपको, अभी ये 4HP डली हुई है गाड़ी। अब मैं इसे 2 व्हील ड्राइव पे डाल रहा हूँ। 2HP डाल दी गाड़ी। दोस्तों देखा आपने कि कैसे कार अभी लहर गई थी, पूरी राइट से लेफ्ट की तरफ हो गई थी। और वैसे अभी जब रिवर्स गियर कर रहे हैं हम 2 व्हील ड्राइव में 4x2 में, तो सिर्फ रियर व्हील ही जो है वही चल रहे हैं, आगे वाले जो टायर हैं वो स्लाइड हो रहे हैं साथ साथ। तो कितना डेंजरस हो सकता है ये, इसी वजह से मुझे अभी के अभी यहाँ पर 4x4 डालना पड़ेगा ताकि मेरी गाड़ी ठीक से पीछे आ जाए। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि 4x4 लगा के आगे भी कैसे जाएगी, कितनी स्टेबल होकर गाड़ी जाएगी। तो जब ऐसी आईसी कंडीशन हो ऐसी जगहों पे सिर्फ 4x4 ही काम आ सकती है। अभी आप लाइव देखिए। तो अभी 4x2 में स्किड हुए थे टायर, कार ऐसे से हो गई थी, लहर गई थी पूरी। अब मैं 4H डाल रहा हूँ, 2H था, अब मैं 4H डाल रहा हूँ। और ऐसे ही करके गियर डाला, अब दिखाना बाहर से सीन। देख रहे हो दोस्तों कितनी दूर चले गई गाड़ी, कितनी ज़्यादा दूर। अभी जब 4x2 में थी तो मैं थोड़ी सी आगे लेके गया, जब राइट से लेफ्ट ऐसे लहरी ना गाड़ी तो खुद ही डर लग गया कि नीचे खाई में ना चली जाए या कुछ भी। तो मतलब रिस्क लेने का मन ही नहीं किया कि नहीं यार भैया नहीं चल रही मत चलाओ। फिर रिवर्स गियर करा ना तो पता लग रहा था कि कुछ स्लाइड हो रहा है गाड़ी में, तो मैंने रिस्क नहीं लिया कि रिवर्स करनी है गाड़ी तो 4x4 करके ही करूँगा। और अभी 4H में जब मैं गया 4 व्हील ड्राइव में 4x4 में, तो जितनी मर्जी दूर ले जाऊँ मैं, कोई रास्ते का डर नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरी स्टेबल होकर गाड़ी जाती है। और अभी आप देख रहे हो कि गाड़ी रिवर्स हो रही है, इसमें भी चारों टायर घूम रहे हैं गाड़ी के, कुछ भी स्किड वाला सीन नहीं है और बड़े आराम से गाड़ी पीछे आ गई वापस इतनी दूर जाने के बाद भी। यही 4H और 2H का डिफरेंस है, मतलब 4x4 और 4x2 का डिफरेंस। अब नॉर्मल गई थी। तो देखा गाइस 4x4 कैसे काम करती है बर्फ के अंदर। और अभी तो ये 4H है, इसके अलावा 4L भी है हमारे पास। अगर ज्यादा आपका ट्रैक्शन लूज हो रहा है यहाँ पे बर्फ के अंदर तो आप 4L लगा लो, आपको टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। या फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हो कि हाइलक्स की एक वीडियो आई थी, ट्रक को खींच रही थी या कोई गाड़ी फंस गई है, और अगर आप अपनी थार से उस गाड़ी को खींचना चाहते हो तो आपको 4L लगाना पड़ेगा। क्योंकि 4L होता है, जैसे ट्रक में भी आप देखते हो कि स्पीड कम होती है, पिकअप और लोड इतना ज़्यादा वो उठा लेते हैं, तो उसका रीज़न है हाई टॉर्क उनके पास होता है, पावर और टॉर्क एक जगह पर कंसनट्रेट कर देता है 4L वाला जो गियर है। तो 4L भी आप लगा सकते हो। बाकी भाई मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर हाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 4x2 और 4x4 में क्या फ़र्क होता है। बाकी एक्सट्रीम कंडीशंस में तो यार 4x4 भी फंस जाती है, उसे निकालने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जिसके लिए मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ ना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझसे भी फंस सकती है यार गाड़ी, तो वो चीज़ हो जाती है। 4x4 अकेले कामयाब नहीं है, आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, वो सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। ऐसे बेवकूफ़ी नहीं कर सकते आप यहाँ पे आके इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में जहाँ पे इतनी ज़्यादा आइस हो, इतनी ज़्यादा स्नो हो। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। फिर मिलेंगे ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।